अब ये मार्केट एडजस्ट कर रहे हैं। मार्कर को आपने इसके बस सेंटर में ले आना है, ये शीट के सेंटर में अराउंड आ गया आपका मार्कर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो इसका ये काउंटर चल रहा है इसको जीरो करना है, पल्स काउंटर को जीरो करना है, तमाम पल्स काउंटर जो है वो जीरो हो जाए, जीरो राइट। अच्छा, जब ये सब कुछ जीरो हो जाए, वहाँ से जीरो हो जाए, हर चीज़ वेरीफाई हो जाए कि हाँ भाई तार लगी हुई है वो जीरो में है और ये यहाँ से ये भी जीरो पे है, ठीक है। बहुत लाजमी है ये चीज़, अगर ये जीरो पे नहीं होगा तो वो कुछ कुछ से कुछ कर देगा, उल्टा हो जाएगा। अच्छा, जीरो जो है वो ओवरऑल जीरो जो है वो इधर से करना। हाँ, ये जीरो जीरो जीरो, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, फाइल पे जाना है, इम्पोर्ट डी एक्सएल, ये आपके पास सारे नंबर्स बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने दिखाना है, एक तो स्क्वायर दिखाना है आपने बनते हुए, आपने ट्रायंगल बनते हुए दिखानी है, ठीक है। तो इसके लिए 4 7 और 1 ये ऐसी चीज है जो एग्जैक्ट आपको बताती है कि आपकी फॉर्मेशन क्या चल रही है। 7 में आपका प्रॉपर एंगल आता है, 4 के अंदर प्रॉपर एंगल आता है, 1 के अंदर प्रॉपर एंगल आता है, अराउंड बोथ एक्सिस, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने सपोज यहाँ से 7 पिक कर लिया, ठीक है। 7 पिक करने के बाद आपने इसको ओपन किया, ये 7, ठीक है जी। और इसको आपने ऑटोमेटिक में जाके प्ले की कमांड दे दी, सही, जिस स्टेप से यही देने, कुछ नहीं देना, सब दिया हुआ है और उसने ऑटोमेटिकली उठाया हुआ है जी कोड में, ये हमने इसको प्ले की कमांड दे दी, ये यहाँ से इसकी पल्सेस चलनी शुरू हो गई, यहाँ से इसका ये मूवमेंट शुरू हो गई। ये 7 का आगे जो हेड बना हुआ है वो बना के, वो 0 बच गया, ये आपका पूरा सिस्टम जो है इसमें, ठीक है, सही।